हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लाइक एटैप्स के अंदर वॉल प्रोवाइड करते हैं और विंडो और डोर की कटिंग करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रिड्स। ग्रिड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरा कल एक वीडियो आएगा जिसमें ग्रिड बताऊँगा कि किस तरह से ग्रिड एडिट करते हैं। हर एक कंपनी ग्रिड एडिट करके ही अपने प्रोजेक्ट को डन करती है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। पहले आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है बीम पे क्लिक करना होता है, और बीम पे क्लिक करके यहाँ से कंक्रीट बीम या स्टील बीम जो भी आपको चाहिए, वैसे मुझे तो कंक्रीट बीम चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिमिलर स्टोरी कर दीजिए, और उसके बाद इस तरीके से आप ट्रेस करिए। जितने जगह पर ट्रेस कर लेंगे, देखिए हमने किया है, यहाँ पे देखिए गलती से कॉलम लग गया, तो कोई नहीं, कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं। इस तरीके से किया, सारे जगह पर बीम लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर ये बीम को देखना है कि ये कैसे लगे हुए हैं, और एक कॉलम भी लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्विक ड्रॉ कॉलम। और इस पर देखने के बाद यहाँ से कंक्रीट कॉलम, तो कंक्रीट कॉलम लेने के बाद इस तरीके जैसे लगाएंगे, कंक्रीट कॉलम लग गया, एक कॉलम एक्स्ट्रा लग गया, तो इसके लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेके इस तरीके से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए। मतलब इजली हम लोगों ने कंक्रीट स्टील बीम और स्टील कॉलम लगा दिया। ठीक है, अब आपको देखना है कि मटेरियल इसके लगे हैं कि नहीं लगे हैं, मतलब कि प्रॉपर बीम और कॉलम प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए, और क्या बोलते हैं, व्यू पे जाके यहाँ पे सेट डिस्प्ले ऑप्शन होता है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए एक्सट्रूड फ्रेम एक्सट्रूड सेल, दोनों को ऑन करिए, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके और सेक्शन प्रॉपर्टीज करके अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये ग्रिड ओपन था तो इसका दिखाने लगा। अब इस ग्रिड को देखना है, मतलब इस तरह के ग्रिड को, तो इधर इसको और इसको क्लिक करके यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज करके अप्लाई कर दीजिए, और ये देखिए आपके सामने इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर देख सकते हैं कि मटेरियल प्लेस हुआ है कि नहीं प्लेस हुआ है, राइट। चलिए, तो इसको हम लोग अभी देख चुके हैं कि मटेरियल प्लेस हुआ है, इसलिए अब हमारा काम नहीं है इस पर। तो हमने इसको क्या किया, बंद कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट ही रहने दिया, और इधर के भी ग्रिड को बंद कर दिया हमने। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसके ऊपर वॉल कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर वॉल कैसे लगाएंगे, वो देखना है। ठीक है, तो वॉल लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ड्रॉ वॉल स्टैक्स, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे तो आपका जो पहला मेंबर, अगर कोई आपकी वॉल सीधी कोई वॉल है, ठीक है, तो अगर ये 3 मीटर की या 2 मीटर की है, जो भी आप यहाँ पे लेंथ डाल दीजिए, और जो भी थिकनेस चाहिए वो थिकनेस डाल दीजिए यहाँ पे, और ओके करिए, ले जाकर उसको प्लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी वॉल ऐसी है कि थोड़ी सी ठीक है और बीच में थिन है, तो आप ये यूज कर लीजिए। बीच में खुली हुई जैसे कांच लगा होगा, तो ऐसे वॉल को हम यूज कर सकते हैं। अगर वॉल का शेप ऐसा है तो एल शेप है, तो एल नहीं है सॉरी यू शेप है, तो इस तरीके से इस तरीके की शेप है, तो ये और एल शेप है, तो इस तरीके से यूज कर लो। आई ई एफ इस तरीके के सेक्शन आप अलग अलग देख सकते हो, आप यूज कर सकते हो इसमें जो भी सेक्शन आपको चाहिए। बट अगर आपने बोला कि नहीं सर, मुझे ना अपना खुद का एक सेक्शन बनाना है जो स्पेशल थोड़ा रहे, लाइक उसमें हम खुद से डिसीजन डाल सके, तो उसके लिए आप यहाँ पर लास्ट वन पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ, लास्ट वन पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने ये देखिए नया ग्रिड आ जाएगा। देखिए ये जैसे नया ग्रिड आया, और इसके बाद आप यहाँ से बता दीजिए कि आपको कितने मीटर का चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करके जब आप ऐसे जाने लगोगे, देखिए आप लिख रहे हैं, अब जैसे मुझे चाहिए कितने मीटर का, 4 मीटर का चाहिए, 4 मीटर एग्जैक्ट आ गया, इस पर क्लिक कर दिया। डन, ये देखिए 4 मीटर आ गया। अब इसमें लाइक इसकी थिकनेस कितनी है, इसको चेक करने के लिए इस पर जस्ट क्लिक करोगे आप, यहाँ दिखा देगा कि लेफ्ट में 150 और राइट में 150। तो इस बेटर कि अगर आप उसको 150 की जगह पर अगर आप मान लो 200 mm की वॉल बना, 200 तो 100 इधर से कम कर दो और 100 इधर से कम कर दो। तो जैसे 100 इधर से कम किया, तो अभी कितने 100 वॉल हो गई, 200 mm की वॉल हो गई। ठीक है, ये देखिए 200 mm की वॉल हो गई। और इसके बाद अगर इसको लगाना है, तो इसको लगाने के लिए ओके करिए,
और इस तरह हमारी वॉल 4 मीटर की बन चुकी है और इसकी वजह से ओके करेंगे और यहाँ आएंगे। अगर आपको सब पे चाहिए तो बस यहाँ पे प्लेस करिए और सब पे फोटो अपलोड कर देगा। इसे शेयर वॉल की भी डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैं शेयर वॉल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो मेरा आएगा जिसमें हम लोग शेयर वॉल का भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए कि सर शेयर वॉल का आपको डिजाइन चाहिए कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली दूंगा। अब इसके बाद मान लो इधर की ओर लगाना है वॉल, तो आपको यार इधर से ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल डालना पड़ेगा। ठीक है, एंगल डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 90 एंटर, और इस तरीके से देखूंगा तो आपको ये 90 में प्लेस। आपने बोला सर यहाँ पे ना मुझे कटिंग देना है किसके लिए, विंडो के लिए, तो कटिंग कैसे देंगे यहाँ पे, कटिंग विंडो की कटिंग करने के लिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग ड्रॉ वॉल ओपनिंग, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछता है विड्थ हाइट बॉटम मीटर लाइक बॉटम डिस्टेंस मतलब सील हाइट लेफ्ट डिस्टेंस, लेफ्ट से कितना डिस्टेंस रखना होगा। अगर आपको सपोज यहाँ पे जो विड्थ रखना है वो रखना है 1000 ओके, एमएम है, हाइट रखना है 300, बॉटम डिस्टेंस रखना है, बॉटम मीन सील हाइट 1 मीटर, और लेफ्ट डिस्टेंस अगर आपको नहीं रखना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रखना ही रखना है। ठीक है, इनको लॉक कर दीजिए जिससे इतने का ही बने, क्लिक क्लिक क्लिक, चलिए इसको भी क्लिक कर देते 1000। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे क्लिक करेंगे और देखिए आपको विंडो लग चुका है 1000 पे एग्जैक्ट, अपने आप विंडो लग चुका है, प्रॉपर एक लाइन में लग गई ना विंडो। अब आपने बोला कि ना मुझे ना सर डिस्टेंस फिक्स नहीं करना है, मैं उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा मुझे कितना बड़ा करना है और किधर से रखना है। तो अब लॉक को खोल के रखो और यहाँ जाओ वॉल पे, और वॉल पे जाने के बाद कहीं पे वॉल पे पहले क्लिक करो, पहले एक बार वॉल पे क्लिक करना है, फिर बताओ कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से आपको चाहिए, तो आप इस तरीके बता दो सर यहाँ से यहाँ तक। आपने बोला सर इस बार ना मुझे इधर चाहिए, तो इधर वॉल पे क्लिक करो कहीं पे भी, फिर जिधर चाहिए उधर आप इस तरीके से वॉल को ड्रॉ कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपने बोला नहीं सर मुझे ना डोर की कटिंग करनी, तो रोका कौन है भाई आपको डोर की कटिंग करने के लिए, तो डोर की कटिंग के लिए क्या करना चाहिए आपको, ओपनिंग खुली हुई है ठीक है, यहाँ क्लिक करिए, और आपने बोला सर यहाँ से कटिंग चाहिए, डोर की कटिंग देनी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डोर विंडो की कटिंग कर देंगे। आपको जहां में भी समझ आएगी कटिंग वहां पे भी आप इस तरीके से अच्छी अच्छी कटिंग कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग वॉल को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से विंडो की कटिंग करते हैं, राइट। और क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए इसी में आपको लोड लगाना है, तो लोड कैसे, लोड मतलब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आप स्लैब लगाते हो, जैसा कि हमने रेगुलर सेशन में देखा हुआ है स्लैब। और स्लैब लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आप यहाँ से ये ड्रॉ क्विक ड्रॉ फ्लोर ले सकते हो, और ये लेने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास फ्लोर लग जाएंगे। और फ्लोर लगने के बाद यहाँ पे अगर आपको फ्लोर पे लोड लगाना है, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट, और यहाँ से फ्लोर को सेलेक्ट कर लेंगे, फ्लोर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्लोर को सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे फ्लोर सेलेक्ट हो जाएंगे, और फ्लोर सेलेक्ट हो गए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड लगाना है। तो इसके लिए असाइन सेल यूनिफॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 4.75। आप बोलोगे सर 4.75 कैसे आया, तो इसका लाइक हम लोग डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए सीधे फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो डेंसिटी कितनी होती है आरसीसी की, 25, थिकनेस हमने स्लैब का 0.15 mm माना है, मतलब 150 mm, और 0.15 meter या 150 mm, तो 0.15 इंटू 25, तो ये आएगा आपको 3.75, और इसी में हमने 1 kilonewton एक्स्ट्रा फ्लोर फिनिश ले लिया है, तो टोटल कितना हो गया 4.75 kilonewton। ठीक है, फ्लोर फिनिश तो पता होगा आपका टाइल्स वगैरह का लोड, ठीक है। इसके बाद जैसे अप्लाई कर दिया, देखिए सब जगह पे अप्लाई हो गया ये, सॉरी आप माइनस कर दिया, माइनस में स्टैट में होता है, और क्या बोलते हैं हमें स्टैट बढ़ाते थोड़ा सा, यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, स्टैट में माइनस लेते हैं, अगर आपको स्टैट पता है तो आपको पता होगा।
यहाँ पर लाइव पे क्लिक करिए और लाइव पे क्लिक करने के बाद लाइव लोड। अब ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर 2 किलोमीटर लाइव लोड डालते हैं, अभी एमपीएससी का पेपर हुआ था उसमें आया था, रेसिडेंशियल पर 2 किलोमीटर और कॉमर्शियल पर 4 किलोमीटर का लाइव लोड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने लाइव लोड भी यहाँ पर 2 का अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसके यहाँ जो बीम्स होंगी, बीम्स पे भी तो लोड आएगा। बीम्स पे लोड कैसे आएगा? बीम्स पे लोड आएगा वॉल का, तो सेल बीम्स सेलेक्ट, वॉल का लोड कैसे लगाएंगे? असाइन, और असाइन पे जाने के बाद फ्रेम, फ्रेम पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे जाके डेट, और आप यहाँ पे यूनिफॉर्म लोड लगा दो, मतलब ब्रिक का लोड लगा दो। ब्रिक का लोड लगाने का फॉर्मूला क्या है, मतलब किस तरीके से ब्रिक का लोड लगाओगे? ब्रिक का लोड लगाने के लिए ये नियर अबाउट 10.75 आता है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अप्लाई। ओके ओके, देखिए ब्रिक का लोड लगाना बड़ा ही आसान है, आपको वॉल हाइट लेना है। क्या लेना है? वॉल हाइट माइनस बीम डेप्थ, वॉल हाइट माइनस बीम डेप्थ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल इंटू डेंसिटी, ये आएगा नियर अबाउट 10.75, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके जो भी आपका ब्रिक आए, आपका थिकनेस जरूरी नहीं कि वहां पे 100 mm हो, जरूरी नहीं 200 mm, इसलिए ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस पे लोड लगा सकते हैं, राइट। और इसके बाद हम लोग को अगर इसको एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एनालाइज चेक मॉडल, और चेक मॉडल करके आप सेलेक्ट ऑल, ओके। और जैसे हमने एनालाइज कर लिया, इसके बाद हम इनको रन एनालिसिस कर सकते हैं। रन एनालिसिस यहाँ से किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद फाइल का नाम देखिए हमने सेव कर दिया। आप एक फोल्डर बना लेना ना, तो वो डेट से फाइलें हो जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं आती, देखने में भी अच्छा नहीं दिखता ना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना, और हमें बताना कि सर ये वीडियो में कैसा, मतलब कि इस पे आपका जो भी फीडबैक है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और बोलिए सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है इसमें, तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर काम करूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने इसको एनालाइज कर लिया, अब इसको मुझे देखना है इसमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, इसका मोमेंट देखना है अगर, और अप्लाई कर देगा, इसको मोमेंट आ गया। मोमेंट किसी एक सेक्शन का देखना है तो मैंने आपको बताया पहले, राइट क्लिक कर दीजिएगा, किसी एक सेक्शन का देख लीजिए, ठीक है। और आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे, और मोमेंट कैसे देखते हैं, शेयर फोर्स कैसे देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रिड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ग्रिड को एडिट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए उस लेक्चर को मत मिस करिएगा, कल ही वो लेक्चर आ जाएगा। और उसके बाद हम बताएंगे आपको कंक्रीट डिजाइन कैसे करते हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर करो, और दोस्तों को बोलो कि वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन करें, तो हमको रेगुलर करा देंगे। कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कनेक्ट रहो, और मेरी लाइक वेबसाइट पर भी जाके आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप मुझे बोलो सर ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं अवेलेबल कराऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।